आप कौन सा साबुन चूज करेंगे, वो जो 95% जर्म्स मारता है या फिर वो जो 5% जर्म्स नहीं मार पाता? नहीं समझे? चलिए ये बताइए कि इन दोनों में से कौन सी स्टेटमेंट ठीक है। पहली ये कि पिछले साल इंडिया के एक्सपोर्ट्स बस 6% से ग्रो हुए और इम्पोर्ट 16.5% से। और दूसरी स्टेटमेंट, पिछले साल इंडिया के टोटल एक्सपोर्ट्स ऑल टाइम हाई पे जा पहुंचे। एक्चुअली साबुन वाली स्टेटमेंट की तरह ये दोनों स्टेटमेंट सेम बात बोल रही है, डिफरेंस है तो बस सेम डेटा को डिफरेंट तरीके से आपके सामने रखने का। एक स्टेटमेंट जहां आपको पॉजिटिव फील कराती है तो दूसरी शायद थोड़ा सा नेगेटिव। साइकोलॉजी में इस इफेक्ट को बोला जाता है फ्रेमिंग इफेक्ट, जो कि बिजनेसेस और पॉलिटिकल पार्टीज अक्सर अपने एडवांटेज के लिए यूज करते हैं। लेकिन ज्यादा इंटरेस्टिंग बात यह है कि हम कौन सी स्टेटमेंट पिक करते हैं, क्योंकि मोस्टली लोग इन स्टेटमेंट्स के पीछे के डिटेल्स को समझने की बजाय अपने इमोशंस और कंफर्ट के हिसाब से यूज करते हैं एक शॉर्टकट, जिसमें हम सामने रखी इन्फॉर्मेशन को अपने बायसेस के हिसाब से प्रोसेस कर लेते हैं। अब जैसे कि अगर आप पार्टी इन पावर को सपोर्ट करते हैं तो चांसेस आर कि आप स्टेटमेंट टू को ज्यादा फेवर करेंगे, और अगर आप अगेंस्ट में हैं तो आप फेवर करेंगे स्टेटमेंट वन को। और एक्चुअल डेटा को डिस्कस करने की बजाय बहस हो रही होगी अंधभक्त और लिब्रांडो जैसी टर्म्स पे।